जो वसम गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी लाइटरूम ऐप में कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले क्या कीजिएगा, आप अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लीजिएगा और लेने के बाद सिंपल से इसके शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा। वीडियो के एंड में आप वन क्लिक में भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले वाले स्टेप पे हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और इसकी हाईलाइट की वैल्यू ना हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -72 कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर लेंगे और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -28 कर लेंगे। देन दोस्तों, आप ये सारी सेटिंग अच्छे तरीके से कीजिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और कर लेने के बाद सिंपल से इसकी शैडो की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 26% करके और यहाँ से हट जाइएगा। और ये सारी सेटिंग करने के बाद हम लोग का पहला स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने अपने फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी फोटो को फुल एचडी में बनाएंगे। तो ये वाला भी स्टेप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो दूसरे स्टेप में सिंपल से हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे और इसकी क्लियरिटी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज करके -19% कर लीजिएगा। टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10%, रियाइज की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% और इसकी विग्नेट की वैल्यू ना आप ऐसे कम करके -34 करके मिड पॉइंट की वैल्यू भी कम करके 39% कर लीजिएगा। और ये भी आप सारी सेटिंग जैसे ही कीजिएगा तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। पूरी फोटो हम लोग की कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएगी। तो आफ्टर बिफोर आप यहाँ से फोटो को देख सकते हैं। तो दो स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। तीसरे स्टेप के अंदर आपका भाई कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। तो यहाँ पे आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो तीसरे स्टेप के अंदर सिंपल से हम लोग कलर्स के आइकन पे ऐसे क्लिक कर देंगे और इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से क्या करेंगे ना -20% कर लेंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 20% करेंगे। वाइब्रेंस की वैल्यू ना इंक्रीज करके प्लस साइड में 31% कर लेंगे। और सिंपल से आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को क्या करना होगा, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी सेचुएशन की वैल्यू आपको डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 और सिंपली क्या कीजिएगा, येलो कलर को लीजिएगा और इसकी क्या कीजिएगा, ह्यू की वैल्यू ना आप ऐसे डिक्रीज करके -52 कीजिएगा। सेचुएशन की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से -78 कर दीजिएगा और ल्यूमिनेंस की वैल्यू जो होता ना इसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 15% कर लीजिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार बता क्या रहे हो भाई, तो बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत ही जेन्युइन जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंपल से आप लोग को ये सेटिंग कर लेने के बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है और इसकी सिचुएशन की वैल्यू आप डिक्रीज करके -33 कर दीजिएगा। ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 14% करके और डन क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल से गाइस, आपको यही सेटिंग रखना होगा। आपको मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा और सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 75% कर दीजिएगा। बैलेंस को इंक्रीज करके 26% करके यहां से मिड टोन में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा आप ऐसे स्क्रॉल करके ब्लू साइड में कर दीजिएगा और इसकी ह्यू की वैल्यू 221 रखिएगा। सिचुएशन के यहां पे 24% और हाईलाइट वाले सेक्शन में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के ना कुछ इस टाइप से इसे ब्लू साइड में अप कर दीजिएगा, जिसकी ह्यू की वैल्यू 233 रखिएगा। सिचुएशन को 32% और सिंपली आप डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हम लोग की पूरी फोटो ना कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो फेस को स्मूथ करने का मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। तो उसके लिए सिंपल से डिटेल्स के आइकन पे आके शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज
करके प्लस साइड में 25% करिएगा, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 40% और इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 25% और इसकी कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 28% और स्मूथनेस को 100% कर दीजिएगा, जिससे हम लोग का फेस ना अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कब भाई तू कलर को ऐड करना बताएगा, तो कलर को ऐड करने का सिंपल सा तरीका ये है, आप ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आइएगा, मास्किंग के आइकन पे टैप कीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आके कलर रेंज के आइकन पे टैप कर दीजिएगा, कलर पिकर का एक आइकन आएगा, इसे ऐसे अपना बैकग्राउंड में पिक करके और इसकी रिफाइन की वैल्यू आप इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंक्रीज करके और सिंपल से मैं अप्लाई क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई क्लिक कर लेने के बाद कलर्स के आइकन पे आऊंगा और इसकी टेम्प की वैल्यू मैं इंक्रीज करके 100% कर देता हूँ, सिचुएशन की वैल्यू भी मैं इंक्रीज करके 74% और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कलर एज के एक ऑप्शन मिलेगा, मैं इसे येलो साइड में करके और राइट क्लिक कर दूंगा। हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। और इस फोटो का प्रीसेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से इजीली जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।